मदर एज मदर आई स्टार्ट इस्लामिक रीजन वो लिव विदिव फोन टू डिस्ट्रैक्ट माई डॉटर सेकेंड पॉइंट लिखा क्यों नहीं तरबियत कर पा रहे आई वर्क फ्रॉम होम एंड आई एम टू टेक आउट टाइम ड्यू टू फाइनेंशियल

मतलब जो तरबियत नहीं होना वो कर रहे हैं मतलब उसको बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं जो कि वो फोन दे दे, दे रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले देखिए मैं कुछ देना चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूं एक गलती हो रही है लेकिन कोई और गलत चीज दे दे रहा है दूसरी गलती है तो एक गलती की वजह से दूसरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम तो फर्स्ट इन लॉज को हम रिक्वेस्ट करेंगे फोन ना दे और मैं ही अपील करूंगा देखिए वो लोग जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर नानी दादी नानी और नाना जल्दी बन जाता है इंसान जनरली तो वो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बहू की और अपने बेटे की बात मानिए यहां बच्चों को फोन मत दीजिए आपकी मोहब्बत अपनी जगह फोन का एडिक्शन बहुत बुरी चीज है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे प्लीज जनरेशन पर खुशी है मेरा पोता हसींगा पोती हसी नवासी हसेंगे आपके दो मिनट का एक वीडियो उसको एडिक्शन देता कल तीन मिनट का एक वीडियो देखने का और तीन मिनट का वीडियो कल एडिक्शन देता है चार मिनट मिनिमम देखने का और चार के आधा घंटा अभी तो बच्चों खा लिया ना खाते हैं ना पीते हैं मैं तो चैलेंज कर रहा हूं जी आप डायपर बदला के बता दीजिए बगैर उसको वीडियो दिखाएगा डायपर पहले आता हो बोलता सुसु कर दिया फिर फोन निकालो फोन नहीं डायपर चेंज नहीं चलो अरे रुको रुको आओ लेटो फिर लेट जाता हो मुंह में अंगूठा हाथ में एक फोन आप डायपर बदला रहे उसका ये लेवल ऑफ एडिक्शन ऑलरेडी है फिर इन लॉज के अगर और भी रहेंगे तो बहुत बुरा होगा, मैं आपकी नहीं बोला आप झगड़ा कीजिए उनसे प्लीज वो मत कीजिए बट डिस्कशन का मौजू है डिस्कस कीजिए आप क्यों नहीं बोल रहे कभी कभी लॉज बुरा डिस्कस कीजिए डिस्कशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पहले से सोच लेना ये मेरे खिलाफ है गलत बात है डिस्कस कीजिए डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन निकल सकता है सेकंड पार्ट था उसका कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं फाइनेंशियल कंस्टर्न है तो देखिए आपका जॉब करना बिल्कुल आयन हलाल है आपके लिए कोई मसना नहीं शायद लिमिट्स के अंदर एक और जितना कमाना चाहे हलाल कमा सकती उसकी कमा है उसकी कमाई उसी की बहरहाल तो वो एक अलग चीज है अल्लाह उन मसायल को हल भी कर दे लेकिन साथ में आप कुछ ना कुछ टाइम निकालिए तरबियत के लिए तरबियत का मीनिंग ये नहीं कि आप पूरा दिन उसके साथ रहे ये भी तरबियत नहीं उससे फिर मुश्किल हो जाएंगे आप रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे और रोबोट बन जाएंगे वैसा भी नहीं होना चाहिए तरबियत का पार्ट यह कि उनको ऐसा एजुकेट किया जाए इतने कम वक्त में और इतने अच्छे से एजुकेट किया जाए कि आपसे वो जितने दूर हो उतनी ज्यादा उस तरबियत को याद रखे कि ऐसा अपने को नहीं करना यह इंपॉर्टेंट है आपके साथ रहने में हर बच्चा अच्छा रहेगा ऐसा बाप खड़ा है सामने तो बच्चा एकदम सही आता है नहीं अब्बा मैं कुछ नहीं कर रहा तरबियत का असर यह है कि वो बच्चा जितना बाप से दूर है उतना ज्यादा बोलता है, नहीं अब्बा नहीं बोलते अब्बा नहीं बोलते हैं तरबियत अच्छा आप उसके पीछे रहेंगे पूरा टाइम तो ये भी तरबियत नहीं है आ जाएगा उसमें कि वो डिपेंडेंट हो जाएगा कि आपको देखे बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे देखे बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं होना चाहिए बट तरबियत होना चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए उसमें डिस्कशन कीजिए मतलब जिसको कहूंगा मैं ज्यादा टाइम नहीं जो भी टाइम दे हेल्दी टाइम देखते जिसको बोलेंगे क्वालिटी टाइम दे प्रोडक्टिव टाइम दे बस ये आप कोशिश कीजिए इन शह लजीज तो मसला हल हो जाएगा और हर आदमी देखिए ऐसी कंस्ट्रेंट में दुनिया में कोई आदमी वो नहीं बोलता मैं खुद नहीं बोल सकता कि मैं तो इतना फ्री रहता हूँ पूरा दिन कि मेरे पूरे बच्चे मेरे अतराफ में रहते और दिन भर मैं उनको दर्ज देते रहता हूं मुझे अपने दर्स में बुलाने के लिए उनको सुबह दस बजे दर्श है आरसी आर में तो उनको उठाना पड़ता है आठ बजे उठ जाओ दर्स में चलो तो मैं ले रही आपको रोज सुन सुन के वो हो गए मतलब गया समझे ना आज नहीं सुनता हुआ ऐसा हाल रहता उनका कितना मुश्किल होता हूं आपको मनाना पड़ता है उनको भाई चलो यार आज आ जाओ मेरे दिल से बैठ जाओ कुछ सुन लो फिर पूछना पड़ता क्या सुने अब क्वेश्चन आंसर भी चालू हो गया आपके नहीं जस्ट पूछ रहा हूँ भाई मैंने सही बोला क्या तो फिर शुरू होता हाँ ये तो अच्छा दिखा पॉइंट ये पॉइंट फैला है समझे ना तो होता हो तो ऐसा किसी के लिए भी आसान नहीं हो आप समझ रहे मेरे बच्चे तो ऐसा कि उठ बोले तोड़ उड़ बैठ वो तो रोबोट है बच्चे है फिर? अच्छे तो वो है जिनको बुराई अच्छाई दोनों उनके पास है और दोनों ले सकते हैं उनकी तरबियत उनको मजबूर करे कि वो अच्छाई ले और बुराई ना ले आप मौजूद नहीं है लेकिन वहां